हेलो फ्रेंड, शो अनुपमा का आज रात का एपिसोड ड्रामे से भरपूर होने वाला है। एक और जहां काव्या शाह परिवार को छोड़ देगी और वनराज को आईना दिखाएगी, तो दूसरी तरफ वनराज को हार्ट अटैक होगा। अनुपमा के आज रात के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि काव्या घर छोड़कर जाने से पहले अपने दिल की बात सभी परिवारजनों से कहेगी। काव्या कहेगी, वनराज और मेरा रिश्ता तब शुरू हुआ जब मैं अनिरुद्ध से दूर हो गई थी। मैं वनराज के प्यार में पागल थी, अनुपमा की सहेली बनकर उसके ही पति के साथ अफेयर करती रही, जैसे एक ड्रग एडिक्ट होता है जिसे पता है कि क्या गलत है लेकिन फिर भी वो वही काम करता रहता है। अनुपमा के जाने के बाद हम यानी वनराज और काव्या साथ आ गए, लेकिन हमारे रिश्ते में नमी आ गई। हमारे रिश्ते को तो गिरना ही था। काव्या आगे कहेगी, उसके बाद मैंने इस घर की बहू बनने की कोशिश की, सभी के साथ पूरी कोशिश की, मुझे उस कोशिश पर पूरा गर्व है जो मैंने नहीं की। पाखी, तोशु और समर की माँ बनने की कोशिश कभी नहीं की। मैंने अच्छी पत्नी बनने की कोशिश की लेकिन वनराज ने तो कभी कोशिश ही नहीं की। हर रिश्ते में कोई एक ऐसा होता है जहाँ कोई एक कम प्यार करता है। मैं कम प्यार के बिना जी लेती लेकिन बिना इज्जत के कैसे। जब मेरा पति ही मेरी इज्जत ही नहीं करता तो मैं यहाँ कैसे रहूँ। काव्या को रोकने की सभी कोशिश करेंगे लेकिन तभी वनराज आ जाएगा और चीखते हुए कहेगा, जाना है तो जाओ लेकिन कबड्डी के खेल की तरह यहाँ हुत-तु करने मत आ जाना। अनिरुद्ध का बुरा दिन आया था तो तुम मेरे पास आई थी और अब जब उसका अच्छा वक्त आ गया है तो तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। याद रखना, मेरा अच्छा टाइम आएगा और तब अगर तुम मेरे पास आई तो याद रखना मैं तुम्हें धक्के मार कर निकाल दूंगा। ये सुनकर काव्या हंस पड़ेगी और कहेगी कि तुम्हें कितनी गलत फहमी है। इसके बाद कहेगी वनराज शाह, काव्या के जाते ही वनराज घर का दरवाजा अंदर से बंद कर देगा और तभी बेहोश हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर अनुपमा को उसकी माँ कांताबेन समझाएगी कि वादा कर अपना दिल मजबूत करेगी, तभी उसे बा का फोन आएगा और उसे वनराज का पता लगेगा। अनुपमा तुरंत अस्पताल पहुंचेगी और शाह परिवार से उसे पूरी तरह बात पता चलेगी। इसके बाद वनराज की मां भावुक हो जाएगी और अनुपमा से अपने दिल की बात कहेगी। तभी डॉक्टर आएंगे और कहेंगे कि वनराज को दिल का दौरा पड़ा है। तो दोस्तों, आप सब कितने एक्साइटेड हैं इस धमाकेदार ट्विस्ट को देखने के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।